जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम जो कि आप लोग को 27 अक्टूबर जो एग्ज़ाम होने वाला है, मासिक एग्ज़ाम, उसी का आज हम साइंस का क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम टोटल 80 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग को वहाँ 40 क्वेश्चन ही बनाना है। देखिए लिखा भी गया, प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप लोग 40 ही बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बनाना है 80 क्वेश्चन को, 80 क्वेश्चन डील करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 80 में हमें कितना सही गया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आप लोग बोलिएगा अवतल लेंस। क्या चीज़ बोलिएगा? तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो आप बोलिएगा 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देव सेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूल प्रति कूलम यानी जे प्रति सी बराबर होता है, क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि वोल्ट होता है, क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेवर होता है, क्या होता है? वेवर, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है, जो दहन कर यानी जो जल कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा उन्हें कहा जाता है ईंधन, उन्हें कहा जाता है ईंधन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते चलिए आप लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बहुत बारीकी से हम समझाएं, आप लोग अभी तक वीडियो वो वाला नहीं देखे तो जाकर जरूर वीडियो देखिएगा। मानव नेत्र वाला हम ये सभी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है जी, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा हो, आपका स्क्रीन पर सातवां नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, मतलब कि दूरदृष्टि दोष में वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा होता है, तो आप लोग बोलिएगा उत्तल लेंस, क्या लेंस, कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, क्या होगा? तो बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। लघुपतन के समय परिपथ में बहुत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते चलिए आप लोग। गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस एक प्रकार की है, तो बताइए प्राकृतिक गैस या बायोगैस या लकड़ी या चूल्हा, तो आप लोग बोलिएगा कि भैया ये होगा बायोगैस, ये होगा बायोगैस, बायोगैस, ठीक है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, भाई आप लोग बोलिए, भाई वाहन जो भी हो बोलिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में। आपका आंसर होगा कर्नाटक, आपका आंसर होगा कर्नाटक, भाई क्या होगा? तो कर्नाटक, ठीक है। अगला देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बताइए हमारे छोटे भाई और बहन, क्या होगा इनका आंसर? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग बोलिएगा कि अवतल दर्पण से, क्या होगा भाई? अवतल दर्पण से, ठीक है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि आपका होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है जी, अवतल लेंस। अगला चलिए क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ये ध्यान रखिएगा आप, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन लिखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है जी, क्या होता है आप लोग बताइए जल्दी से, तो डायोप्टर, डायोप्टर, लेंस का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग, आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो किरण की पुंज, किरण की पुंज, मतलब कि
प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। जैसे नेवारी को समूह को बोलते हैं पुंज, तो यहाँ पे प्रकाश का है। जैसे कि धान वाला पुंज लगता है तो धान पुंज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का किरणों का समूह है, मतलब कि नेवारी का इकट्ठा होता है जैसे धान वाला है, तो आप लोग बोलिएगा धान का पुंज। यहाँ पे प्रकाश की समूह, प्रकाश के किरणों की समूह है, तो यहाँ पे होगा किरण पुंज, ठीक है। चलिए आगे देखते चलिए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण को निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जी कि कोलाइड, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? कोलाइड, ठीक है। आर आर ओम प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपका आंसर होगा कि एन आर, एन इंटू आर, ऑप्शन नंबर सी, एन इंटू आर, ठीक है। चलिए, ओम का नियम निहित है, ओम का नियम निहित है, तो ओम का नियम निहित है भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, ठीक है। विद्युत धारक की प्रबलता का या साई मात्रक, विद्युत धारक की प्रबलता का या साई मात्रक है एम्पियर। क्या होता है? तो एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। चलिए आगे देखिए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि आपका आंसर होगा निर्गत कोण। क्या होगा? तो निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? निर्गत कोण, ठीक है जी। आगे चलिए। धारा मापने को यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग धारा मापने वाले यंत्र को बोलिएगा अमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अमीटर, ठीक है। डायनेमो ने, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से आपका आंसर होगा दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर, दृष्ट धारा भी होता है और प्रतिवर्ती धारा भी होती है, सॉरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का एस आई मात्रक होता है कूलम, एस आई मात्रक होता है कूलम। एस आई मात्रक का, ये एस आई मात्रक का फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, यानी कि पद्धति इंटर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है, किस तत्व का उपयोग होता है, तो आप लोग बोलिएगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभिनेत्र फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो आपका आंसर होगा जी कि पश्चिमाभी मांसपेशिया द्वारा, पश्चिमाभी मांसपेशियाँ द्वारा, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा कि बी नंबर आ विलय, आ विलय, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो आपका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम हाइड्रो, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्कर्षण, परिष्करण कर उपयोगी बनाने में के प्रक्रम को क्या कहते हैं, बनाने को प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो आपका बोलिएगा धातु कर्म, धातु कर्म, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा कि उष्मा शोषी, उष्मा, सॉरी उष्मा छेपी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका, 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि आपका आंसर होगा जी कि NO2 और O2, NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सही है, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो आपका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो आपका आंसर होगा सोडियम, आपका आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि क्लोरोक्षार, क्लोरोक्षार अभिक्रिया, क्लोरोक्षार अभिक्रिया,
क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपका आंसर होगा कि ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रोमीन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, शीशा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं, शीशा और टीन का मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं, तो सॉरी आपका आंसर होगा सोल्डर, आपका आंसर होगा सोल्डर। ठीक है, चलिए आगे देखते चलिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा लिथियम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, लिथियम। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें कौन सा होता है, एक सिग्मा और एक पाई, या दोनों सिग्मा या दोनों पाई, या दोनों इलेक्ट्रॉन आबंध होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध होता है, कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा कि एक सिग्मा और एक पाई आबंध, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन आपका, 41 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है, तो आपका आंसर होगा कि डी, सात। ठीक है जी, सात होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सी एन एच टू एन प्लस टू किसका सामान्य सूत्र है, तो आपका आंसर होगा कि एल्केन का, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर होगा CuSO4 5H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि आपका आंसर होगा वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आपका आंसर होगा कि NaHCO3। ठीक है, अगर सॉरी आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होगा तो क्षारीय धातु सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो आप लोग बोलिएगा Na2CO3। ठीक है, CHO का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो ये होगा आपका आंसर एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो आप लोगों का बोलिएगा हीरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आक्रिय तत्व कौन है, तो आक्रिय तत्व होगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी होगा हीलियम। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए आगे, इक्यावन नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, हीलियम कैसा तत्व है, तो आपका आंसर होगा कि आक्रिय हीलियम है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो आपका आंसर होगा कि ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 18, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच होता है सात के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के जनन में जनक और जनक के शरीर की कालिका निकलती है, तो आपका आंसर होगा मुकुलन में, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मुकुलन में। मनुष्य में वीरकक संबंधित है, तो आपका आंसर होगा उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो CO2 क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो आपका आंसर होगा जल से। ठीक है, आगे चलते चलिए आप लोग, 62 नंबर
नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सिनेप्टिक दरार। सिनेप्टिक दरार ऑप्शन नंबर बी होगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो आपका आंसर होगा पुंग कैंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्विखंडन होता है, तो आपका आंसर होगा द्विखंडन होता है किसका, तो अमीबा का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो आपका आंसर होगा एपिडिक्स। एपिडिक्स ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो आपका आंसर होगा कि सिक्किम जंगली जानवर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है, बताइए आप लोग, तो आपका आंसर होगा सूखे घास पत्ते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो हाइड्रा में ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हाइड्रा में। चलिए आगे चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अस्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अंडाशय ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राग कोष में होते हैं, तो आपका प्राग कोष में होते हैं प्राग कण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है, तो एमिनो अम्ल कौन सा होगा, ये होगा CO2 और CO2 CONH3, तो आपका आंसर होगा CO और NH3 ऑप्शन नंबर सी होगा, इनमें से दोनों में भी है नहीं, तो आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही होगा। हम सोच रहे थे ये सिर्फ यही दिया है, तो यहाँ ये भी दिया है और ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए बी और सी दोनों है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि स्त्री में, आपका आंसर होगा बी नंबर, स्त्री में। ठीक है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं, तो 23 जोड़ा युग्म होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि 23। और यहाँ पे होते हैं कितने, तो 46, जैसे जोड़े में बोल रहे हैं, युग्म मतलब होते हैं जोड़े। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो आपका आंसर होगा अंडाशय। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो आपका आंसर होगा अर्धपारगमय। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, किससे घिरे रहते हैं, तो आपका आंसर होगा गार्ड कोशिका से। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने की केंद्र है, तो आपका आंसर होगा कि अग्रमस्तिका। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि मेनार्थ ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो आप बोलिएगा 80 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा फूल की वृद्धि, इनमें से कोई जड़ की वृद्धि ऑप्शन नंबर बी। तो अब बताइए आप लोग कि आप लोग को 80 में कितना सही बनाए हैं, आप लोग पहले ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में 80 में कितना सही बताएं। तो यदि आप लोग 80 में 60 प्लस अभी करते हैं तो बहुत अच्छा, और जिनको नहीं अभी 60 प्लस हो रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ने में, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अभी तक शेयर नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।